Hello friends, welcome to Mission for Excellence. Myself Preeti Trivedi and I am here with all of you for your preparation of SSC exams. So friends, I have given you an introductory video in which I have told you how to prepare and how to do it. पैटर्न बताया, स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की. उसके बाद जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम पे, जिसमें हमने बताया कि हमारे नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. उसके बाद हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा डिविजिबिलिटी पे. तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी. तो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसके पहले मैं आपको बता दूंगी कि एसएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो एसएससी क्वेश्चंस ऐसे पूछता है कि ये नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दे देगा, तो पूछेगा कि इफ ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो उसमें एक नंबर को वो मिस कर देता है. जो मिसिंग नंबर होता है वहां पे या तो स्टार बना होता है या क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एंड पूछता है कि ये क्वेश्चन मार्क या स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा. सेम मोस्टली क्वेश्चंस 9 और 11 पे ही आते हैं, बट हमें पढ़ना है सभी 2 से लेकर के 13 तक के, क्योंकि ये हमारे जो डिविजिबिलिटी के रूल्स है ये कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे टेबल तो नहीं लर्न करवाऊंगी, ना ही स्क्वायर रूट्स लर्न करवाऊंगी. तो प्लीज, अगर आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है और आपको मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है, तो प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों को लर्न कर लीजिए और मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि यस, मैंने कर लिया लर्न. ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी. तो हमें पता है जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स बने हैं वो हमारे बने हैं 0 से लेकर के 9 तक के नंबर से. 0 से लेकर 9 तक के नंबर जितना भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो इन्हीं नंबर्स का खेल होता है. तो अभी हमने पता है कि 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटिव. इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे. उसके बाद में 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, तो ये तो हमें पता ही है. ये तो नहीं पूछेगा ना कि 3 को 1 से डिवाइड करेगा या नहीं. तो हम चेक करने वाले हैं 2 से लेकर के 13 तक की कि वो डिविजिबल नंबर है या नहीं है. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लिखा कि नंबर हमारे कहां से कहां तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो फ्रेंड्स, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना है कि उस नंबर के यूनिट डिजिट पे इन में से कौन सा नंबर आ रहा है. वो नंबर है 0, 2, 4, 6, 8. अगर किसी भी नंबर में, किसी भी सम में अगर हमारी यूनिट डिजिट इन नंबर्स में से कोई भी डिजिट होगी 0, 2, 4, 6 या 8 में से, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा. जैसे 4, 6, 7, 8, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8. तो इस तरीके से हो गया हमारा 2 का. नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 का. 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इफ जो भी हमारा सम दिया हुआ है, जैसे 4, 6, 3, 5, ये हमारा नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर, जो भी हमारा सम दिया हुआ है उसके डिजिट का जो सम होता है वो हमारा अगर 3 से डिविजिबल है तो हमारा ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो 4 + 6 + 3 + 5, ये 4, 6, 10, 3, 13, 5, 18. तो क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा. इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कोई नंबर दे दिया, तो पूछा 4, 6, 3 और यहाँ पे लगा दिया स्टार, तो पूछता है वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वर्ड, तो वो नंबर कौन सा होगा कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए. तो वो हमारा नंबर होगा 5, वो नंबर होगा 6, 10, 3, 13. उसके बाद 3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 3, 5, 15, क्योंकि इससे पहले होता है 4, 12. तो 12 तो अगर सब्सट्रैक्ट करने में पूछता तो हम कर सकते हैं,
बट 15 हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा? 4, 6, 10 और 3, 30, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? 2. तो हमारा सेल सबसे छोटे से जो होता है, यानी जो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं वो क्या होगी? 2. अगर हम यहाँ पे मिनिमम हमारी 2 वैल्यू रख देंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. स्टार्ट कर, अब हम लोग देखते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. 4 से डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की चेक करने के लिए, उस नंबर के हमें देखना होता है कि लास्ट की 2 डिजिट. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक साथ 2, 4 और 8 का बता देती हूँ, 16 तक का, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा. 2 में 2 की पावर कितनी आएगी? 1. 4 में 2 की पावर कितनी आएगी? 2. 8 में 2 की पावर कितनी आएगी? 3. 16 में 2 की पावर कितनी आएगी? 4. तो फ्रेंड्स, जिस भी नंबर में इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो जितनी हमारी 2 की पावर होगी उतने ही हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे. कैसे? अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की, तो हम केवल लास्ट की 1 डिजिट रखेंगे. अगर हमें 4 से चेक करनी है, तो 2 की बार यहाँ कितनी बार आएगी? 2. तो हम कितने को चेक करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को. अगर हमारा 32 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा जो पूरा नंबर है 4632, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा. अब बात करते हैं 8 की. तो 8 के लिए हम लोग किसको देखेंगे कि वो हमारा नंबर, हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट हैं, वो हमारी 8 से डिविजिबल हैं. तो लास्ट की इसमें से कितनी डिजिट देखेंगे? 3, क्योंकि 2 की पावर कितनी है? 3. ऐसे ही जब 16 से चेक करना होगा, तो हम लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2, 4, 8 और 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली. जब हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 5. 5 तो बहुत सिंपल है कि जिसके भी लास्ट में 0 या 5 होगा, बस दो ही नंबर देखने हैं कि अगर लास्ट में 0 है और अगर लास्ट में 5 है, तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा. बात करते हैं 6 की. तो 6 जो है हमारा, वो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें हमें जब 6 से चेक करना हो कि कोई नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें चेक करना होगा पहले कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं और 3 से डिविजिबल है कि नहीं. जब वो हमारा नंबर दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो हमारा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. जैसे मैंने लिखा, कि 8, 3, 4, तो अगर ये 8, 8, 3, 11, 4, 15, इसका टोटल सम कितना हुआ? 15. 15 हमारा 3 से डिविजिबल है? यस. और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4. 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है? यस. तो ये हमारा पूरा नंबर क्या 6 से डिविजिबल होगा? यस. इस तरीके से हम चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा से डिविजिबल होगा. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा 6 तक का बता दिया ना, और 8 मैंने आपको पहले बता दिया. अब हम लोग 9 और 11 देखेंगे, क्योंकि 10 का तो पता है कि एक 0 होगा, तो हमारा 10 से डिविजिबल होगा. 7 का मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में बताऊंगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. तो 9 के लिए हमें क्या देखना है? सेम हमारा रहेगा जैसे हमने 3 में देखा, कि अगर जो भी हमारा नंबर दिया है वो अगर उसका जो डिजिट्स का सम है, अगर वो 3 से डिवाइड होता था, तो हमारा नंबर भी 3 से डिवाइड होता था. इसमें भी सेम 9 में करेंगे. अगर हमारा ये नंबर्स की डिजिट जो है, वो उनका सम जो है, वो 9 से अगर डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा. 4, 6, 3, 2, 3. 4, 6, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18. क्या ये 18 9 से डिविजिबल है? यस. तो ये जो हमारा नंबर है, ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा. ऐसे ही वो क्या करते हैं कि वसस्सी में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से आपको 2 की जगह पे लगा दिया स्टार. अब पूछते हैं क्या ये यहाँ पे कौन सा जो है मिनिमम, यानी छोटे से छोटा नंबर आ सकता है कि ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए. तो हमें यही चेक करना होता है कि 4 + 6 + 3 + 2 कर लिया, सॉरी 3 किया, तो कितना हो गया? 4, 6, 10, 3, 13, 3, 16. अब 16 के पास में जब हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, तो अगला नंबर क्या आएगा? 18. तो हमें 18 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2.
यहाँ पे जो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टू। तो इस तरीके से हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी, जिसमें एक जीरो हो, वो सभी नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे। अब बात करते हैं 11। 11 के लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर हमने लिखा, उसमें हम देखते हैं इसकी नंबरिंग की 1, 2, 3, 4। तो जो भी नंबर हमने लिखा उसमें देखना है कि हमें इवन प्लेस पे कौन कौन सा आ रहा है, ये दोनों, ऑड प्लेस पे कौन कौन आ रहा है, ये दोनों। तो इवन प्लेस वाले नंबर्स का हम सम करेंगे और ऑड प्लेस वाले नंबर्स का सम करेंगे। तो 4, 6, 10 और ये 4, 6, 10 दोनों ही इवन और ऑड नंबर वाले प्लेसेस वाले नंबर्स का हमने अलग अलग सम किया और इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और इनको सब्सट्रैक्ट करने पर अगर हमारी वैल्यू 0 आती है या फिर 11 आती है या 11 की टेबल में आने वाला कोई नंबर आता है तो हमारा वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 4, 6, 6, 4 इसका जब हमने इवन प्लेसेस वाले नंबर का सम किया 10 आया, ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का सम किया तो 10 आया। तो 10 - 10 कितना हुआ, 0। अगर 0 आ रहा है तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग सीखते हैं जो सबसे ट्रिकी है, वो है 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना। तो फ्रेंड्स, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। 203 जो भी नंबर दिया हुआ हो उसमें जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है सबसे पहले, उसका जो है 203 माइनस इसका 3 का जो लास्ट वाली डिजिट है, सॉरी, जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हटा देते हैं 20 माइनस जो लास्ट वाली डिजिट है उसका 2 टाइम्स करते हैं यानी 3 × 6। अब इसको माइनस करते हैं 20 - 6 = 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है? यस। तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम चेक करते हैं 2023, लास्ट में हमारा क्या है 3 माइनस 3 × 6 कितना हो गया, ये 6, 196। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि चलो 196 भी डिविजिबल है कि नहीं, तो सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे। 196 यानी 19 - 6 का 2 टाइम्स किया 12, तो 19 - 12 7। 7 तो है ही 7 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमने सीखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक का। अब फ्रेंड्स, हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही जब करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियोस, प्लीज।